अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फैशन टाइम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सहारनपुर की शान फेमस कीमे की ताहिरी। ये बहुत ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हमें कीमे की ताहिरी बनाने के लिए किस किस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ मैंने लिया है 1 kg कीमा। इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, आप थोड़ा सा मोटा कीमा लीजिएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 3 tablespoons कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने 1 medium साइज़ की प्याज ली है, इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ कुछ स्पाइसेस ली है, 1 tablespoon नमक, 1 tablespoon देगी मिर्च, 1 tablespoon कश्मीरी लाल मिर्च, 3 tablespoon हल्दी पाउडर, 2 tablespoon धनिया पाउडर। यहाँ हम हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हैं, तो चलिए कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स हम अपने एक प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर 2 cup पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर हम इसे अच्छे से स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स हमारा अच्छे से हो चुका है। अब हम इसकी लीड को करेंगे कवर और 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, कीमा हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, देखिए रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं और हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ हमारा कीमा रेडी है। यहाँ मैंने लिया 1 tablespoon सौंफ, 1 tablespoon धनिया, 1 tablespoon कलौंजी, 1 tablespoon मेथी दाना, कुछ खड़े स्पाइसेस लिए हैं, 1 tablespoon शाही ज़ीरा, 1 dalchini का टुकड़ा, 1 javitri का टुकड़ा, 6 से 7 लौंग, 8 से 9 काली मिर्च। यहाँ मैंने 2 प्याज ली हैं, इन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है। 4 tablespoon यहाँ हरी मिर्चों का अचार लिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची ली हैं। और हमने यहाँ पे 1/2 cup कुकिंग ऑयल ऐड करके खड़े मसाले और प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज़ों के फ्राई होते हम इसमें डालेंगे कलौंजी, मेथी, सौंफ, धनिया, इसे भी हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर अपना फ्राई कीमा ऐड कर देंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई भून लेंगे। दो से तीन मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, और जो हमने हरी मिर्चों का अचार निकाल कर रखा था हम इसके अंदर वो भी ऐड कर देंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करते रहेंगे। अब हम इसके अंदर 2 cup पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 kg बासमती राइस लिए हैं। इसी के साथ मैंने इसमें 100 g काली दाल मिला दी थी और इसे अच्छे से वॉश करके हम सोक कर लेंगे। अब हम इसके अंदर अपने चावल ऐड कर देंगे। देखिए चावल हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1 cup पानी का और यूज़ कर रही हूँ, टोटल इसमें 4 cup पानी ऐड करा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ 1 kg में 4 glass पानी ऐड करा है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 tablespoon नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हम इसे कवर करके 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर, पहले हम इसे 20 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताहरी कम्प्लीट रेडी हो चुकी है। देखिए चावल हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। चलिए अब हम इसे करते हैं डिश आउट। आप एक बार स्टेप बाय स्टेप इस मेथड से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सहारनपुर की मोस्ट पॉपुलर फेमस रेसिपी है कीमे की ताहिरी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताहिरी बहुत अच्छी रेडी हुई है। आप इसे प्याज की सलाद के साथ, हरी चटनी और रायते के साथ सर्व कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।